पर आपको बता रहे हैं, दरअसल बनारस गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गरियाबंद में पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों ने 76 लोगों से 4,85,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। तीनों आरोपी पूजा फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर थे और जिले में कंपनी का दोपहिया वाहन फाइनेंस का बिजनेस संभाल रहे थे। आरोपी ग्राहकों से किस्तें वसूलने के बाद उसे कंपनी में जमा नहीं करवा रहे थे। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब समय पर रिकवरी नहीं होने के कारण कंपनी ने ग्राहकों को लीगल नोटिस भेज दिया। असलियत का पता चलने के बाद कंपनी ने तीनों के खिलाफ सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तीनों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में 2 गरियाबंद और 1 धमतरी जिले का रहने वाला है। इंदौर के बाद